एसएमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने इस्तीफा दे दिया है। एसएमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया। आपको बता दें, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देने का ये पूरा मामला है, जिसके चलते 3 डॉक्टरों को चिन्हित किया गया था। अधीक्षक का अचल शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर सुधीर भंडारी अभी भी जिद पे अड़े हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा और अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो जांच और भी सख्ती के साथ आगे बढ़ाई जा सकती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देने का ये मामला, जिसमें 2 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। एसएमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने इस्तीफा दिया है, साथ ही साथ डॉक्टर अचल शर्मा ने भी पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब एक और डॉक्टर सुधीर भंडारी का इस्तीफा आने की बात कही जा रही थी, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को लेकर के सख्ती के साथ दिखाई दे रहा है। जयपुर पुलिस, स्वास्थ्य विभाग दोनों की ओर से इस पूरे मामले पर गहनता के साथ नजर बनाई जा रही है और साथ ही साथ SIT भी इस पूरे मामले को लेकर गठित करने की बात कही गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हैदराबाद गए तो इंटरिम कमेटी में जो 2 नाम है उनसे हमें बैठ के बात करके चर्चा करके कि इंटरिम प्रेसिडेंट प्रिंसिपल कौन बनेगा मेडिकल कॉलेज का और सुपरिंटेंडेंट कौन बनेगा SMS का, वो हमें मुझे लग रहा है कल हमें वो स्वीकृति मिल जानी चाहिए या उनके पास जो नाम है वो दे देंगे। उसके पश्चात जो है एड जैसे एड फ्लोट करके और एप्लीकेशन लिए जाएंगे, उसके बाद में इंटरव्यूज होंगे। जो अपने सुपरिंटेंडेंट लेवल वाले तो ACS करेंगी और दूसरी स्क्रीनिंग जो है प्रिंसिपल की जैसे नॉर्मली होती है वो आपके चीफ सेक्रेटरी करेंगे। ये हमारा आगे का प्रोग्राम है और डॉक्टर भंडारी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। उनके जितने भी कारनामे जो भी उनके कॉरेस्पॉन्डेंस और इनके जो वीडियो क्लिप्स को देखकर और सोटो के चेयरमैन से इनको हटा दिया है। ये कहते हैं मैं सोटो का चेयरमैन था ही नहीं, हमारे पास पूरे दस्तावेज है। ये सितंबर 2023 तक टेबल पे बैठकर अपना प्लेकार्ड चेयरमैन सोटो के नाम से ये सब सर्टिफिकेट्स इन्होंने बच्चों को दिए, जिसके अंदर तारीख भी लिखी हुई है और इनका नाम भी लिखा हुआ है। तो उनकी पूरी जांच करके उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? फेक ऑर्गन एनओसीज का मामला हुआ है, उस पे सरकार तय तक कैसे जाएगी? नॉट ओनली डॉक्टर भंडारी बट फॉर 1 year द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कमिटी व्हिच ऑथराइज ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैज नॉट मेट एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हैव हैपेंड, तो पूरे मामले के तहत तक कैसे जाएगी टू फिक्स दैट दिस डजंट हैपन? ये जो भी ये सिस्टम खराब हुआ है ये 2020 के बाद में खराब हुआ है। आप देखिए कि दस्तावेज मेरे पास सब हैं कि पिछली सरकार के टाइम में मुख्यमंत्री जी की जो अप्रूवल और आपके स्वास्थ्य मंत्री जी की अप्रूवल के साथ एक जो 2 कमिटीज थी, एडवाइजरी और ऑथराइजेशन कमिटी, जिसमें 7-7 मेंबर होते थे। उसका एक वो था कि भाई इसमें 2 सरकारी ऑफिसर्स होंगे, वो उन कमिटियों को डिसॉल्व करके और उन्होंने बना दी एक कमिटी, सिंगल कमिटी बना दी। उसके अंदर भंडारी जी को बना दिया उसका चेयरपर्सन और इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा दिया, दूसरे अधिकारी को भी हटा दिया और मन मर्जी से इन्होंने अपने मर्जी के लायक अपने जो लोग इनके साथ कोऑपरेट करे इन्होंने एक कमेटी बना दी और भंडारी जी को बना दिया सोटो का चेयरमैन। तो ये तो पूरा सब कुछ इनके हाथ में था, हर NOC का कंट्रोल इनके हाथ में था, उसका दुरुपयोग किया गया। और आज जो अलर्ट किसने किया? हमारी सरकार ने तो किया, बगरहट्टा जी जो है और हमारे जो शर्मा जी है अचल जी, इन्होंने जाके ACP को रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट नहीं देते तो आपको भी मालूम नहीं पड़ता। और ये हुआ कैसे? डॉक्टर अचल शर्मा के पास कोई आया कि भाई हमें NOC देना है, ये करना है, उनका भाई उसकी प्रक्रिया अभी नहीं हो सकता है। उनका देखो आपके तो हो रहा है, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा ये कैसे हो रहा, जब जब वो कागज देखा उन्होंने कहा फर्जी हस्ताक्षर है।
फर्जी हस्ताक्षर और वो है। जब उन्होंने सब कंपेरिजन किया, जब मालूम पड़ा, उसके ऑफिस में गए, सब ये कागज उसको मिला, जब उन्होंने विसल ब्लोअर तो हमारी गवर्नमेंट ही थी, हम इन्हें तो चिताया, तो एसीबी उसके बाद एक्शन में आ गई और एसीबी ने फिर उसका इसकी पूरी जांच कर रही है। और इसके अंदर जो है स्पेशल कमिटी बनी है जिसके अंदर आपके डीवाईएसपी क्राइम हैं और हमारे जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की डॉक्टर रश्मि हैं, ये लोग मिलकर इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चिट्ठी आई है, वो क्या मांग किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे ये हैं, हमारे अतुल गोयल जी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इन्होंने एक पैरा 3 में लिखा है, इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी मेंबर्स हु शिफ्टेड फ्रॉम एसएमएस जयपुर टू राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी इन द एंटायर एपिसोड विच वुड हैव गॉन ऑन फॉर इयर्स बिफोर इट केम टू लाइट। हम ही तो टू लाइट लाए। तो इन्होंने केंद्र सरकार जो है, इन्होंने ये कहा कि भाई ये लिंक क्या है, मतलब भंडारी जी जो थे वो पहले प्रिंसिपल थे, उसके बाद फिर ये कमिटीज के हेड बन गए सोटो के आगे और उनको रिवॉर्ड करके उनको यूनिवर्सिटी का उनको वाइस प्रिंसिपल बनाया। और उसके अंदर वो ये जो जो आपके एनओसीज वाले जो ये जो थे ना, अपने क्या नाम इनका, दो तीन अधिकारी, उनको साथ ले गए, वो वहां ले गए। तो ये वहां पे RUHS के अंदर भी ये कंट्रोल कर रहे थे, वहां से सोटो को रन कर रहे थे। और ये जो है ये अपने SMS मेडिकल कॉलेज के भी इनका इन्होंने अपना शिकंजा कसा हुआ था। सर उनका ये कहना है कि सोटो की जो जिम्मेदारी थी वो सिर्फ कैडेवर ट्रांसप्लांट तक थी, लाइव ट्रांसप्लांट में सोटो का रोल नहीं है, तो इसलिए वो डायरेक्ट जिम्मेदारी उनकी बनती नहीं है। और एक दूसरा, सरकार को भी उन्होंने सोटो में नहीं थी, पर जो जिसके चेयरपर्सन बने थे कमेटी के, तो उसमें तो थी ना, वो तो टोटल कंट्रोल था उनका, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो नहीं थे ना उसके अंदर, जो मर्जर में कहा है, पहले तो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सर एक सवाल ये आ रहा है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुए उसमें जो नॉमिनी होने चाहिए थे गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट नॉमिनी कभी वहां गए ही नहीं और उनके साइन पर वहां से एनओसी जारी होती रही, तो क्या उन जो नॉमिनी बने हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, क्या उनसे भी सरकार जवाब तलब करेगी? नहीं, हम तो पूरी इंक्वायरी करेंगे अंदर, हम तो इसको एकदम जड़ तक जाएंगे हम इसके अंदर। सर एक इसमें यह है कि आपकी जो कमेटी ने अभी जांच रिपोर्ट जो पेश कर रही है उसमें एक तथ्य सामने आया कि एक साल के अंदर टोटल 163 विदेशियों के ट्रांसप्लांट हुए, जिनमें से बांग्लादेशी, नेपाल और भूटान, तीन जगह के हैं, तो 163 का फिगर है। क्या ये जो व्यक्तिगत केस है इन सबकी एक एक की इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या वास्तव में ये विदेशी होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल होगी, हम इसकी पूरी छानबीन करेंगे, इसकी पूरी छानबीन करेंगे, हमें समय चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। सर एक सवाल ये कि नैतिकता के आधार पर आपने इन प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट को हटाया है, तो क्या ACS की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? देखिए, ACS जो है डायरेक्ट हॉस्पिटल को नहीं रन कर रही है, ACS के अंदर तो कई डिपार्टमेंट्स हैं, ACS के पास तो कई है, उसके अंदर जो आपका ये आपके परचेसेस ऑफ इक्विपमेंट, ये सब, ये आपके जितेंद्र सोनी जी उनका जो डिपार्टमेंट, सब उनके अंदर आता है। तो वो एक एक जगह एक विंग को थोड़ी ना कंट्रोल कर सकती है, वो तो डिपार्टमेंट अपने अपने रन कर रहे हैं। एज ए नॉमिनी थे वो, हाँ, तो उन्होंने क्या कभी खुद, वो किडनी डोनर हैं, तो क्या कभी उन्होंने इसमें पहल करने की कोशिश नहीं की? पहल करने की, इनको तो ज्यादा टाइम भी थोड़ी ना हुआ है, इनको कितना टाइम हुआ है, इनको ACS को ज्यादा समय नहीं हुआ। लास्ट सवाल मेरा एक सवाल कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कब होगा? ये डॉक्टर्स तीन जने अभी अरेस्ट हुए, इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू भी कंटिन्यू है जो कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट अभी भी, जिन पर उंगली उठ चुकी है, उन पर क्या आप लगा? नहीं, हम उनके ऊपर पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक पूरी पॉलिसी बनाएंगे, इसकी नई पॉलिसी बनाएंगे, नए दायरे से देखेंगे, और हम ये चाहेंगे कि ऐसी चीजें दोबारा नहीं हो। सर एक अंतिम बात ये कि 2015 में पहली बार कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, वही गलत हो गया, और उसके बाद से हम 2020 में आपको ये बता रहा हूँ, तो 2015 से ही एक चीज आपको कहना मैं भूल गया अभी कि
माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि ये जो दो कमेटी वापस बनेगी, तीन मतलब कि मतलब जो एडवाइजरी ये अभी नहीं बनेगी, और ये जो पुरानी जैसे दो होती थी इसको दो करेंगे, ये हमें तुरंत हमें बोला है, आज ही उन्होंने तय किया कि ये होंगे। बहुत लोग हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रोजाना आना पड़ता है, वो उन लोगों में पैनिक सा क्रिएट हो गया है, तो क्या ऐसी व्यवस्था कब बनाएंगे आप जिससे रोजाना जो ये काम स्मूथली हो और आदमी आराम से आके अपने कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहता है वो करा सके, उसके लिए कोई मैसेज दीजिए। देखिए इस पे देखिए, पहले तो डस्ट को सेटल डाउन होने दीजिए, हमारी जो जांच जब तक हम पूरी जांच नहीं करें और हमारी एक स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे जिससे ये हादसे नहीं हो, तब तक जो है सेंटर से भी हम मीटिंग्स करेंगे कि उनसे भी हम राय लेंगे कि हम इसको बढ़िया बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए जो जो डोनर्स जो डोनेशन देना चाहते हैं, जो रेसिपिएंट्स हैं, उसका एक ओपन तरीके से उसका जो है एक सिस्टम चले, ये हम केंद्र से भी बैठ के बात करेंगे और ये इंक्वायरीज करने के बाद हमें दो तीन महीने के अंदर इसको हम सेटल करते हैं। सर फाइनल चीज ये कि ये बताइए कि चूंकि अभी आप भंडारी जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो उनकी आप जांच करवा रहे हैं, तो इस जांच को आप गवर्नर के पास भेजेंगे, ये प्रक्रिया कितने दिन में सबूतों के साथ आप भेजने की बात है, संवैधानिक कार्रवाई कब से शुरू होगी उनकी? कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो इन इनफॉर्मल लेवल कमेटी बनाएंगे हम, और कमेटी बना के हमें हम अगले 3-4 दिन के अंदर हम पूरी रिपोर्ट बनाकर हम आगे हम राज्यपाल को इनको बर्खास्त करने के लिए हम भेजेंगे। सर एक अंतिम सवाल मेरा है कि SMS अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, नॉर्दर्न इंडिया के सबसे ज्यादा फुटबॉल अस्पताल के अंदर है, तीन लास्ट अगर अधीक्षकों की बात करें तो तीनों की कुछ ना कुछ दिक्कत रही, इसको उनको छोड़ना पड़ा अपन, क्या सरकार SMS अस्पताल में कोई प्रशासक नियुक्त करने पर विचार नहीं कर रही है? देखिए आप देखो, ये अस्पताल बना था जब जयपुर की 1-2 लाख पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, अब 43 लाख की पॉपुलेशन जो हो गई है, देखिए आप लोग खाली सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर बोझ नहीं लगा सकते हैं, आजकल मेडिकल केयर कॉस्ट है, जान बचानी है कॉस्ट है, प्राइवेट एंटरप्राइज जब तक नहीं आएगा, जुकाम भी लगा तो सरकारी हॉस्पिटल हमें फ्री कराना है, ये देखो हम ये सिस्टम हम केटर नहीं कर सकते, कितने हॉस्पिटल खोल रही है, अब सैटेलाइट हॉस्पिटल और खोल रहे, अब वो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग शहरों में माइग्रेट करते जा रहे हैं, तो ये हमारे डॉक्टर्स और हमारा जो स्टाफ है उनके लिए मैं यही कहूंगा इनके लिए इजी टास्क नहीं है। तो क्या प्रशासक नियुक्त करने के बारे में विचार करेगी सरकार? महाराष्ट्र पैटर्न पर महाराष्ट्र के अधिकांश बड़े अस्पतालों के अंदर या तो ब्यूरोक्रेट IAS लगे हुए हैं या फिर RAS प्रमोटी लगे हुए हैं जो कि प्रशासक की भूमिका में वहाँ पे नॉन क्लिनिकल काम सारा वही देखिए, इसके अंदर बैठ के विचार करेंगे, अभी बहुत चीजें हैं, अभी चिरंजीवी योजना को भी ओवरऑल हम कर रहे हैं, उसका भी हम करेंगे, एक ट्रांसफर पॉलिसी भी हम ला रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि अभी क्या है कि बड़े शहरों में और सैटेलाइट एरियाज के अंदर जहाँ 10 पद है वहाँ 20-30 लोग लगे हुए हैं, और गाँव के अंदर जहाँ 10 पद है वहाँ 2 लोग हैं, इसको जो हमें पॉलिसी जो है हम बना रहे हैं ताकि यूँ चलेगा नहीं सिस्टम जब तक हम एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसी पॉलिसी लाकर इसको जल्दी से जल्दी इसको लागू नहीं करेंगे। सॉरी मैं कुछ आपको खिला पिला नहीं सर, अरे सर यह हो जाए मेरे को अलग से बाइट लेना, पॉलिटिकल बाइट है ये, इसका मतलब तो स्वास्थ्य मंत्री को सुन रहे थे आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले पर।